आधे कप सूजी से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी रसीला हलवा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला महेश्वरी, कैथे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट ये हलवा बनाते हैं। तो आधा कप मैंने सूजी लिया है और ये है आधा कप दूध। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 10 मिनट के लिए इस तरीके से मिला के 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक इस तरीके से मैंने आधा कप मैंने चीनी लिया है इस तरीके से चाशनी के लिए। 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप चीनी तो 1.5 कप पानी डालिएगा। और बिल्कुल इसे चाशनी गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए चाशनी आपकी अच्छे से हो गई है। अब मैं कुछ केसर भिगो के रखी थी दूध में, तो ये एक दो चम्मच है, तो इसे इसमें ऐड कर दे रहे हैं ताकि रसीला हलवा का कलर बहुत ही अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से चला लेते हैं और थोड़ी देर इसे और पकने देते हैं चाशनी को, ताकि अच्छा से पक जाए। तो ये देखिए आपका चाशनी हो गया है। अब इसे रख देते हैं साइड से, ठंडा होने देते हैं। और एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप घी लिया है, तो इसमें से 2 चम्मच घी कढ़ाई में डाल ली हूँ और साइड से बचा के रख देती हूँ। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, काले किशमिश, किशमिश छुहाड़े, और इस तरीके से इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये रसीले हलवे में डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा थोड़ा सा घी में फ्राई करके। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप घी में नहीं फ्राई करना चाहते तो। ये देखिए इसको मैंने हल्का सा ही फ्राई कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये घी बच गया है, तो 1/3 कप मैंने पूरा मिलाकर घी लिया है और जो मैंने घी बचा था अब इसमें सारा घी ऐड कर दे रही हूँ। इस तरीके से घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये 10 मिनट बाद आपका सूजी भी अच्छे से फूल गया है, तो दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए 10 मिनट में ये सूजी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे सूजी भिगोया हुआ इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा मीडियम पे ही इस तरीके से कंटिन्यू 5-6 मिनट तक आपको भुनना है। इस तरीके से चिपक जाए तो कहीं नहीं, थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए घी सारा सोख लिया है सूजी। अब इसे अच्छे से कंटिन्यू चलाते जाते हैं ताकि सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये देखिए, और ये झटपट रसीला हलवा आपका बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो एक बार ये रसीला हलवा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा और भगवान को भोग तो ज़रूर ही लगाइएगा। तो ये देखिए सूजी अच्छे से ये भुन गया है। अब इसे अच्छे से और थोड़ी देर चला लेते हैं ताकि ये अच्छे से और भुन जाए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये अच्छे से भुन जाए। अब मैं थोड़ा सा ये जो चाशनी है मैंने तैयार किया है केसर डाल के, इसमें थोड़ा सा ऐड करते जा रही हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा गैस थोड़ा तेज कर दीजिएगा इस तरीके से। पूरा मैंने चाशनी इसमें ऐड कर दिया है और इसे इस तरीके से चला लेना है। ये देखिए ये सूजी अच्छे से ये जम गया है। ये देखिए, तो ये आपका हलवा रसीला हलवा बनने वाला है फटाफट। ये हलवा तो सबको बहुत ही पसंद आएगी, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हलवा से घी बिल्कुल अलग हो गया है और आपका ये टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा इसे और चला लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें 1 चम्मच में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इलायची से बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई किया था अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेना है। 2-3 मिनट और इसे अच्छे से मिला के देखिए हलवे से घी निकलने लगा है। तो ये आपका
रसीला हलवा दूध वाला बनके तैयार हो गया। यकीन मानिए खाने में तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए फटाफट इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए आपका झटपट और टेस्टी रसीला हलवा बनके तैयार हो गया है। ये आप जरूर ट्राई करिएगा, नाश्ते में या शाम के समय बना के जरूर खाइएगा, बहुत ही लाजवाब हलवा है। तो ये देखिए इस तरीके से रेसिपी आप जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।